भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी सौरव गांगुली को इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट में जाना जाता है। अपने शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के लिए यह आज भी जाने जाते हैं। सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली है। इनके अनेक नाम है, जैसे दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर। दोस्तों, आज हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। दादा भारत की तरफ से एक सफल क्रिकेटर एवं सफल कप्तान भी रहे हैं। दादा का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंडीदास, माता जी का नाम निरूपा गांगुली है तथा बड़े भाई का नाम स्नेहाशीष गांगुली है। दादा के बड़े भाई ही दादा को क्रिकेट में लाए थे। क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले दादा स्कूल और राज्य में क्रिकेट खेलकर कई खिताब हासिल किए हैं और आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों के जुबान पर दादा का नाम आता है। दादा को राष्ट्रीय टीम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का अवसर मिला। इन्होंने पहले ही टेस्ट में 232 रन बनाकर टीम में अपनी जगह बना ली। लगातार श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके कई मैन ऑफ द मैच हासिल की। इसके बाद 1999 के क्रिकेट में विश्व कप में इन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ 318 रन की साझेदारी की, जो आज भी विश्व कप में सबसे ज्यादा रन है। और इन्होंने 2008 में संन्यास ले लिया और आज इन्हें मैच के दादा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।